कपिल देव गिरी हमारे, वो किसी पद पर हो या ना हो, सोसाइटी के वो महामहिम हैं, सारा देख रेख उन्हीं के देख रेख में हो रहा है, चल रहा है। और बताते हैं आपको कि इस परिस्थिति में वो क्या किए हैं कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स को, जिनका नाम आदित्य स्वरूप साहब हैं, जबकि हर मेंबर को एक ही प्लॉट मिलना चाहिए था, तो आदित्य स्वरूप साहब को ये दो प्लॉट दिए। हमारे शंभू ठाकुर हैं, वो भी डीआईजी के पद से रिटायर किए, वो आईपीएस थे, उनको भी खुश करने के लिए दो प्लॉट का एक प्लॉट दिए। ये जाकर स्थल निरीक्षण किया जाए तो ये खुलकर सामने आ जाएगा। साथ साथ हमारे एके सिंह चीफ सेक्रेटरी थे, उनको भी एक प्लॉट दिया गया जो किसी बंगाली आपके मुखर्जी साहब का था, उनको अलॉटमेंट लेटर दिया हुआ था, रजिस्ट्री हुआ नहीं। तो इंटरेस्टिंग देखिए कि उनको जाकर रजिस्ट्री कर दिया गया, वो मुखर्जी बेचारा कोर्ट में गया, केस किया। एके सिंह जो है उनका शेयर नंबर 353 है, उनको वही 180 प्लॉट नंबर डीओजी कॉलोनी कटरू आवंटित कर दिया गया है, माने रजिस्ट्री भी कर दिया गया है, आवंटित कर रजिस्ट्री कर दिया गया है, जो कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन इस एवज में ऑलरेडी इसकी जांच पड़ताल जब हम लोग किए तो अशोक नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनका एक प्लॉट है जो 422/B उसको देखा जा सकता है। साथ में सिम्फोनी जो है हरमो हाउसिंग कॉलोनी का, वो भी सोसाइटी का है, हरमो सोसाइटी कॉलोनी का सोसाइटी का है, हाउसिंग सोसाइटी में भी उनका दो फ्लैट है, जिसका एक फ्लैट का हमको जानकारी मिली है, जिस फ्लैट का नंबर सिम्फोनी एक्सएल वेनियर JSHB GB फ्लैट नंबर 204 A1 टावर में अवस्थित है। इसके साथ साथ एक और फ्लैट है जिसकी जानकारी हम उनका नंबर नहीं ले पाए हैं, लेकिन ये भी नंबर हमको आज तक मिल जाएगा। साथ में हमारे साम्राज्य अपार्टमेंट में 40 फ्लैट बना है, तो उसको खुश करने के लिए वहाँ भी संसार अपार्टमेंट में भी, साम्राज्य अपार्टमेंट में भी 110 फ्लैट नंबर जो है एके सिंह को अलॉट किया गया है। साम्राज्य अपार्टमेंट में एजी ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड कटरू रांची, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 22/R/1960 है, विगत कई वर्षों लगभग 65 साल से श्री कपिल देव गिरी, भूतपूर्व सचिव या कहिए चेयरमैन कहिए, जो भी कहिए, या सोसाइटी का मालिक कहिए, इन्हीं की देख रेख में ये कमेटी फल फूल रहा है। और ये फल फूल क्या रहा है, ये अपना घर की समिति बनाया है, ये समिति जो है फैमिली सोसाइटी बना हुआ है, इसमें इनकी पत्नी वो भी सोसाइटी की चेयरमैन है, ये भी सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे। उसी कंटिन्यूशन में जब ये कंप्लेन हम लोग किए तो ये सेक्रेटरी शिप से रिजाइन कर दिए, लेकिन मेंबर हैं। साथ में इनके पुत्र भी जो हैं, ना वो एजी एम्प्लॉइज हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन अपने ताकत के जोर पर सोसाइटी, क्योंकि ये फैमिली सोसाइटी बनाए हुए हैं, इसलिए अपने पुत्र को भी ये मेंबर बना दिए हैं। बीच में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब बहुत इलीगल वर्क हो रहा था, उस समय लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर कंप्लेन किए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कमेटी का गठन किया गया और जांच समिति बैठी, उसमें हमारे कार्तिक प्रभात यहाँ के वो प्रशासक हुए, और आकर यहाँ जब जांच किए तो जांच में बहुत गलती और त्रुटि पाए, गड़बड़ी पाए, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जाके थाना अरगोड़ा थाना में केस किया। केस काफ़ी लंबा चला। 2015 में कपिल देव गिरी के साथ साथ इनके 8 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सबों को सजा के रूप में, माने इकोनॉमिकली फिनांशियली 500 रुपया का जुर्माना लगाया गया, वो भी उसी शर्त पर कि लोग हाथ जोड़कर कहे कि हम लोग सभी बूढ़े हो गए हैं और हम लोगों को अभी हाल में है, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। फिर भी इनको 500 रुपया का फाइन दिया गया और ये भी कहा गया कि अगर 500 नहीं देंगे तो 1 साल का साधारण कारावास होगा। ये आज भी जिक्र है, 1 महीने का, 1 महीने का साधारण कारावास का जिक्र है। लेकिन देखिए उस परिस्थिति में भी ये सजा इनको मार्च 2015 में इनके ऊपर ये आरोप गठन हुआ और सजा हुआ, और जब इसका फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई नवंबर दिसंबर 2015 में,
तो सजायता को ये साफ मेंशन किया हुआ है कि वही मेंबर बनेंगे जो जिनको सोसाइटी के माध्यम से किसी तरह का सजा नहीं दिया गया हो। लेकिन ये क्या किए, किसी पब्लिक को न बायलॉज की कॉपी देना न किसी तरह की जानकारी देना, क्योंकि सोसाइटी तो इनके पॉकेट की संस्था थी। ये पुनः नवंबर दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया कराए और पूरा 2015 में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो गए। ये हम लोग को भी जानकारी नहीं था, ये कंटिन्यूएशन में ये अपना चले जा रहे हैं। तो हम जब इनकी जांच किया तो लगभग ये 20-25 बरस से लगातार कभी सेक्रेटरी, कभी प्रेसिडेंट, कभी वाइस प्रेसिडेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये ऑलवेज बने हुए हैं। और जिसको भी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट बनाते हैं वो सारे के सारे लोग डमी हैं, इनके कहने पर ही कोई वो काम कर सकता है, अपने मन से उसको कोई काम नहीं करना है। पैसे का लेन देन भी हो तो इन्हीं के माध्यम से होता है, वो मैं सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो। इस क्रियाकलापों में इनको सजा होने के बाद भी ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बने, 15 में भी बने, 19 में भी बने और आज 24 में भी। ये जब 19 के चुनाव में जब ये फिर अपना नाम हटाए तो देखिए इनकी तरीका, देखिए कि 15 से 19 में मेंबर थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, 19 के चुनाव में सेक्रेटरी हमारे बंसीधर तिवारी हुए, बस वो एक ही पद पर वो चुनाव हुआ था और सारा का सारा पद पर निर्विरोध, जहाँ ना कोई चुनाव होना है ना कुछ होना है, इनकी सारी सेटिंग गेटिंग के कारण सभी अपने आदमी को भर दिए थे। और ये फिर भी बोगस वोट करके जैसे भी वो अपना युद्ध जीत लिए, क्योंकि सारा मशीनरी इनके हाथ में था, उसकी चिंता हमको नहीं करना था। हम बस हमारा एक ही एम था कि चुनाव हो, जो कि 40 बरस के बाद ये चुनाव की प्रक्रिया हुई सिर्फ सचिव के पद के लिए। तो सचिव बने वो नवंबर या दिसंबर, हाँ 22 दिसंबर 2019 में वो सेक्रेटरी बने और 20 अप्रैल 2021 को उनका डेथ हो गया। इसका मतलब हुआ कि 1 साल 4 महीना 23 दिन में ही उनका देहांत हो गया। कोऑपरेटिव एक्ट कहता है कि 5 बरस का पीरियड में, अगर आधा से कम पीरियड में किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो या चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, कोई भी हो, अगर उनका डेथ होता है तो उनकी भरपाई चुनाव से ही, आम सभा बुलाकर चुनाव कराकर ही उसकी भरपाई करना है। लेकिन देखा जाए कि न ये रजिस्ट्रार से जानकारी लिया, न किसी से पूछा और चुपके से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इनकी तो तूती बोलती है, तो ये बुलाए और सबसे ये कंसेंट लिए कि चलो भाई सोसाइटी को चलाना है। ऐसी परिस्थिति में ये अपना सारा उल्लू सीधा करते हुए सेक्रेटरी बन गए। तो यह खुशी की बात हम लोग को लगा कि फर्जी सचिव बने हैं तो इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाए कि फर्जी सचिव नहीं, ये बिल्कुल सही सचिव बने हुए हैं। उसी पीरियड में कितने लोगों को एनओसी दिए और 10 लाख 5 लाख 20 लाख जो लेना था लेते रहे। तब इसकी जानकारी मैं समय समय पर निबंधक को भी देता गया। तब निबंधक साहब को थोड़ा सा क्या लगा कि इनको भरवल कहे या कोई चिट्ठी दिए होंगे जिसकी हमको जानकारी नहीं है, तब ये सचिव के पद से रिजाइन किए। 13 जुलाई 2023 को ये रिजाइन करते हैं। रिजाइन करने के बाद भी ये पद तो खुद खाली हो जाना चाहिए था क्योंकि फर्जी सचिव था। तो फर्जी सचिव जब ये बने तो ये चार्ज दे रहे हैं हमारे यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अवध अभेश नंदन संडवाल, ये भी किस तरह के सदस्य हैं जिनको जानकारी नहीं है और लगातार पाँच टर्म से ये भी बने हुए हैं सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। लेकिन इनको ये भी गिरिजी के डमी थे, गिरिजी बुलाए कहे कि हम देखो अपने रिजाइन कर रहे हैं तो तुम हमसे चार्ज ले दो। तो क्या देखिए खुशी की बात कि 13 जुलाई 2023 को ये क्या है तो वाइस प्रेसिडेंट भी हो गए एवं हमारे वर्किंग सेक्रेटरी भी बन गए, जबकि वर्किंग सेक्रेटरी का कोई पद यहाँ नहीं होता है। अभी भी इस पर निबंधक महोदय को कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ये बने रहे। और उसके बाद आज भी अवधेश नंदन संडवार जो है वो बने हुए हैं, वर्किंग सेक्रेटरी भी बने हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं।